हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि नवरात्र कल से शुरू हो चुके हैं और कल मैंने एक वीडियो शूट किया था लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया तो मैं उसको एडिटिंग नहीं कर पाई। तो आज मैं फिर से अपने मंदिर का नवरात्र किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइजेशन किया है उसका वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो पहले तो आप सभी को जय माता दी और बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएँ नवरात्र की। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैंने माता का मंदिर सजाया है और बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सजाया है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैंने अपने छोटे से मंदिर को सजाया है और अभी अभी मैंने ये पूजा करी है तो इस दीपक जल रहा है माता जी का और ये भोग के लिए आज मैंने ये ड्राई फ्रूट रखे हैं और जितने भी ये माले हैं ये सब ऐसे डबल साइडेड टेप से स्टिक कर दिया क्योंकि ऐसे रुकते नहीं हैं। ये सारे भगवान जी पे चुनरी और माला चढ़ा के और ये धूप बत्ती इस तरीके से एक बड़े दिए में जलाते हैं ताकि इसका जो भी इसकी राख निकलती वो इसी में गिरे, नीचे ना गिरे। इसी तरीके से मैंने छोटे से मंदिर को अपने सजाया है। ये आरती की है तो अभी आरती चल रही है और ये मेरी डॉटर ने कल ऐसी फूलों का थोड़ा सा सजाया था और ये नीचे एक में मैंने कपूर और लौंग जलाया है और एक में थोड़ा सा हवन करती हूँ वो डाला है। और ये ऊपर एक लगाया हुआ है और ये लाइट सजाई है इसको थोड़ा सा। ये इस तरीके से मैंने ये लाइट से इस तरीके से मंदिर को डेकोरेट किया है और इसमें मेरी डॉटर ने बहुत मेरी हेल्प करी है, उसी ने टेप है उसी ने लगाया है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको ये मेरा छोटा सा मंदिर कैसा लगा। छोटी सी जगह में मैंने इस तरीके से चौकी रख के और मंदिर को सजाया है, दो पटरे रख के। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये माता जी का मंदिर आज कैसा लगा छोटा सा। और आप सभी भक्तों को फिर से एक बार जय माता दी। जय माता दी। ये मेरी डॉटर बोल रही है जय माता दी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।